हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की ऐसी ग्रेवी जिसका टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट की ग्रेवी जैसा आता है। आपको कोई ऐसी चिकन की रेसिपी चाहिए जिसका टेस्ट बहुत ही अलग हो, आप वही नॉर्मल ग्रेवी खा खा के बोर हो गए, तो ये रेसिपी आपके लिए है। एकदम रेस्टोरेंट जैसे टेक्सचर आता है, चिकन बहुत फ्लेवरफुल बनता है, एकदम गल जाता है, बहुत अच्छा मसालों का फ्लेवर होता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg चिकन ले लिया था, अब बड़े बड़े पीसेस में कट लगा ले। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हमने 1/2 कप दही डाल दिए, 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट था, 1/2 tablespoon रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 tablespoon गरम मसाला पाउडर, ये थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर था ऐड कर लेंगे। आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं चाट मसाले की जगह। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कलर के लिए बहुत थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे, फूड कलर ऐड करना ऑप्शनल है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, या कम से कम चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मैरिनेट करने के बाद जब हम इसे ग्रेवी में कुक करते हैं। तो अब यहाँ एक पैन ले लेंगे, इसमें 1 tablespoon ऑयल डालेंगे, इसमें 2 प्याज लंबा लंबा कट करके ऐड कर लेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ हम टमाटर प्याज का बहुत अच्छा मसाला रेडी करेंगे जिससे ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो गया, अब इसमें 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसे भी थोड़ा लगभग 1-2 मिनट तक भून लेंगे। अदरक लहसुन भूनने के बाद इसमें 7 से 8 काली मिर्च ऐड कर देंगे, या 4 से 5 छोटी इलायची ऐड कर देंगे, 7 से 8 लौंग ऐड कर देंगे, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 7 से 8 काजू ऐड कर देंगे। काजू से थोड़ा अच्छा क्रीमीनेस आ जाता है। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को लंबा लंबा कट कर लिया, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे हम, जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। बहुत ही अच्छा मसाला इसे बन के रेडी होता है। बिना क्रीम के हम थोड़े से काजू डाल के बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बना लेंगे। देखिए ये अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो गया। अब इस मसालों को निकाल के ठंडा करके हमें इसे पीस लेना है बिना पानी डाले। सारे मसालों को हमने निकाल लिया है। अब सेम पैन में 1 tablespoon ऑयल और ऐड कर लेंगे, और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो एक एक करके ऐड कर देंगे। या आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी थोड़ा चिकन मैरिनेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप उसे मैरिनेट करेंगे उतना ही अंदर तक अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन का। सारे पीसेस यहाँ ऐड कर लें। यहाँ चिकन को हमें भून के अच्छे से गलाना है। सारे पीसेस को हमने यहाँ ऐड कर लिया है। ये मैरिनेशन में दही वाला थोड़ा सा मसाला बचा है जिसे हम साइड में रखेंगे, आगे ग्रेवी में यूज़ करेंगे। देखिए थोड़ी देर तक चिकन को एक साइड कुक कर लिया है, अब इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड भी अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ चिकन को लगभग 80-90% तक हमें इस पॉइंट पे कुक कर लेना है। ग्रेवी में हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाते हैं। रेस्टोरेंट में ऐसे ही पकाया जाता है चिकन को अलग से मैरिनेट करके और फिर मसाले को अलग से, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए यहाँ चिकन अच्छे से 80-90% गल गया है। अब इसे निकाल के साइड में रख लेंगे। पैन में जो थोड़ा सा ऑयल बचा है उसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे पीसेस को अच्छे से यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ पैन को मैंने वॉश कर लिया था, आप चाहे तो सेम पैन में भी बना सकते हैं। अब यहाँ 2 tablespoon ऑयल और ऐड करेंगे, और इस ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1/2 tablespoon ज़ीरा ऐड कर लेंगे और 1/2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इस रेसिपी में हम टोटल 4 tablespoon ऑयल ऐड करते हैं और 2.5 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा भून लिया। अब इसमें मैंने लंबा लंबा कट करके थोड़ी सी प्याज डाली है और शिमला मिर्च, ये ऑप्शनल है पर रेस्टोरेंट के कई ग्रेवी में ये पड़ता है जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा इसको बस थोड़ा सा भूनेंगे लगभग 30 सेकंड तक शिमला मिर्च और प्याज को। और इसमें अब हम जो स्टार्टिंग में टमाटर काजू प्याज का मसाला बना के रखा था पीस के, वो ऐड कर देंगे। और ये मैरिनेशन में जो दही का थोड़ा सा मसाला बचा था वो ऐड करके इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़े से पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे। ये 1/2 tablespoon धनिया पाउडर है, 1/2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर है, तीखा आप अपने हिसाब से रखें इसमें। ये 1/2 tablespoon गरम मसाला पाउडर है, ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है कलर के लिए ग्रेवी में। इस रेसिपी में नमक और मिर्च हम 3 जगह
अलग अलग डालते हैं, तो नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से रखें। अब ग्रेवी में इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, ये थोड़ा सा मसाले में पानी डाल के अच्छे से क्लीन करके ऐड कर लेंगे। उसे चलाते हुए थोड़ी देर तक अच्छे से मसालों को यहाँ कुक कर लेंगे। मसालों को अच्छे से कुक करना है कि कलर इसका ऑरेंज से थोड़ा रेड हो जाए और तेल साइड में आ जाए। देखिए तेल साइड में आ गया है, मसाले का कलर भी चेंज हो गया अच्छे से। पूरी मेथी ऐड कर लेंगे और जो चिकन अच्छे से फ्राई करके रखा था वो ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अभी देखने में लग रही है कितनी मसालेदार टेस्टी चिकन की ग्रेवी, एकदम रेस्टोरेंट जैसी बनती है। हम इसमें सिर्फ काजू यूज़ करते हैं जिससे बहुत अच्छा क्रीमीनेस आता है, क्रीम या कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे हम इसमें। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, आपको ग्रेवी जितनी पतली चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पानी ऐड ना करें क्योंकि चिकन पहले से कुक है, तो यहाँ चिकन को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस चिकन को 5 से 7 मिनट और कुक करेंगे और ये बन के रेडी है बहुत ही टेस्टी चिकन, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आप कुछ नई चिकन की ग्रेवी ट्राई करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें। देखिए पास से कितना टेस्टी लग रहा है, चिकन बहुत अच्छा गल जाता है, बहुत ही चटपटा और फ्लेवरफुल बनता है। अगर आपको भी चटपटा चिकन खाना पसंद है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। इसमें थोड़ा सा हम हरी धनिया ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे ये टेस्टी चिकन ग्रेवी। इसमें स्टेप थोड़े से ज़्यादा है, पर कोई ज़्यादा आपको बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके किचन में जो भी चीज़ें उससे ये बन के रेडी हो जाता है। कुछ अलग कभी ट्राई करना चाहते हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। एकदम बाहर होटल वाला टेस्ट आपको घर पे मिलेगा। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी हिट कर लें। तब तक